आज की क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं, सबसे पहले एक कल तक हम लोगों ने व्याख्या कर रहा था, आज हमारा ये नया टॉपिक आ रहा है स्टैटिक सेट प्रोबेबिलिटी। ये दो टॉपिक अपनी जगह है, इसको हम लोग हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं, सांख्यिकी, और इसको तो आप जानते ही हैं, इसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास जो चैप्टर आ रहा है वो ये सांख्यिकी और प्रायिकता, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं। नया टॉपिक है और कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, क्या इसमें पढ़ना जाएगा, क्या नहीं, वो समझना है। ठीक है, चलिए तो आगे जा रहा है। सांख्यिकी और इसका क्या मीनिंग होता है वो समझते हैं। सांख्यिकी का मतलब दिए गए आंकड़ों से उनका आकलन करना है, दिए गए आंकड़े इन सब चीजों में से, जैसे हमको सबसे पहले मिलेगा समांतर माध्य, आप जानते हैं इस चीज को, समांतर माध्य, फिर होगी माध्यिका, फिर होता है बहुलक, है ना। तो जो हमको पढ़ना है समांतर माध्य, माध्यिका, माध्य विचलन, माध्य विचलन, फिर पढ़ना है प्रसरण, फिर पढ़ना है हमको मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक है, तो होने को तो माध्यिका एनम वैसी भी कहते हैं कि बहुलक भी होता है, तो विक्षेपण की मापे क्या रहते हैं, क्या होता है विक्षेपण की मापे। विक्षेपण की मापे कहीं सांख्यिकी में सबसे पहले
हमको ये सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग समांतर पथ, समांतर मार्ग के मतलब आप समझ ही सकते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन या आप कह सकते हैं केवल मीन, टॉपिक एवरेज, एवरेज। दूसरा आता है मीडियन, तीसरा आता है मीन डिविएशन, मीन डिविएशन। फिर आता है चौथा वेरियंस, वेरियंस। और चौथा होता है, पांचवा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इतनी चीजों की जानकारी हमको चाहिए। सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ते चले भी आ रहे हैं और उन्हीं को हमको सीखना भी है। क्या कि आपको क्या दे रहा है, क्या कुछ समझ रहा है, इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह मैं भी आपको बता दूँ, वो भी तैयार करना है। इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए क्या इसका मीनिंग है, ये भी समझ लीजिए। लघु विधि क्या होती है, क्या अंकों का कैसे क्या अंकों के बारे में वैल्यू कैसे क्या किया जाएगा, उसके बारे में ये भी आपको बताया जाएगा। तो इसको लिखना है तो मीन मीडियन मोड, इसको मोड कहते हैं। तो आप देखते हैं खैर, वैसे से आपको बता रहा हूँ क्या होता है, मतलब निकालने का तरीका क्या है, जवाब दे होते हैं। ताकि मैं आप लोगों को मान लो सबसे अधिक बार अपनी चुपल से बहुत कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, बहुलक के लिए आपको जो सूत्र दिया जाता है मीन मीडियन मोड पर, जो बहुलक है अनुपातिका है संबंध बता सकता है, कोई मोल बराबर होगा बराबर तीन में बात है माइनस दो में बात है, तीन बात का दो बात है ना, इनका संबंध भी निकालने का होता है, तीन बात का दो बात है, इनका फॉर्मूला भी होता है बराबर का। लेकिन जो यहाँ से शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो टॉपिक आएगा यहाँ से पढ़ने का, तो समझ लीजिए उसको मैं आपको भी बता देता हूँ कि हमको इसमें से क्या पढ़ना है। सांख्यिकी और प्रायिकता ही है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजों का विवरण देना है कि करके आप लोग कॉलेज में अंग्रेजी के बारे में जानिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समांतर मार्ग। तो समांतर माध्य का मतलब क्या हुआ, आंकड़ों से संबंधित चीज है ना। तो अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले ये आता है फॉर्मूला कि जब आंकड़े यानी डाटा, जब आंकड़े, आंकड़े का मतलब जो डेटा दिया जाता है इसमें से क्वेश्चन में, मतलब संख्या भी नहीं उन्हीं को आंकड़ा बोलते हैं, है ना। तो जब आंकड़े कह रहा है अवर्गीकृत, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, यानी आपको सिंपल एक डाटा दिया जाए उसमें वर्गीकृत आंकड़े नहीं होना चाहिए। तो जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो मीन बराबर यानी समांतर माध्य, ये एम फॉर यहाँ पर मीन है। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन,
जहाँ सिग्मा एक्स क्या है आंकड़ों का योगफल, है ना, आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़ों की संख्या। मानी यहाँ पर आएगा कि जितने आंकड़े हैं सभी आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की कुल संख्या है। एक भी ये बने अब इनके एग्जांपल्स भी बताए जाएंगे, एक समरी बना के तैयार करेंगे। दूसरा है कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो इसमें मीन बराबर क्या होगा, मीन बराबर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ या वेयर इसी में आपने बताया जहाँ f जो है वो बारंबारता है यानी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, और n क्या है सिग्मा f है यानी बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग सिग्मा f है। तो एचपी हो गई, अच्छा यानी आप एन की जगह आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है जब क्वेश्चन वर्गीकृत हो लेकिन वर्ग अंतराल दिया हो, जब हमको क्या ज्ञात हो वर्ग अंतराल ज्ञात हो, जब वर्ग अंतराल दिया गया तो वर्ग अंतराल में भी हमको यही फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना है। सीधा सीधा सा मैटर है, जब वर्ग अंतराल दिया जाएगा तो भी हम उसमें मध्य पद निकाल करके x बना लेंगे और f हमको पहले से दिया जाएगा बारंबार, तब जाकर के सिग्मा f(x) / f की कैलकुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें तो आपको समांतर माध्य निकालने में अगला ही होगा। ठीक, इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि इसमें हमको आगे निकालना है माध्य का, पहले आप सर्कस बुक पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, उसे न्यूमेरिकल समझा जाएगा कि न्यूमेरिकल में आपकी तरफ हमको क्या करना है। तो माध्यिका में क्या है मीडियम है, तो मीडियम निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आता है कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, अगर आंकड़े ही हमारे अवर्गीकृत हो तो उसकी हम लोग मीडियम यानी माध्यिका कैसे याद करेंगे, जैसे कि ऊपर उसको बताया कि समांतर माध्य में दो निकाल सकते हैं उसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए जब तक, फिर इसके आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, फटाफट। अच्छा, ठीक है, तो नौ का हो गया चलिए। तो इसी क्रम में आगे हम लोग उत्तर को देखें, तो कहने का मतलब ये है कि आगे अगर इसको भी मैं बता देता हूँ, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े में आपको उसमें से पदों की संख्या देनी है सबसे पहले। तो आंकड़े वर्गीकृत में भी इसके दो पार होते हैं, दो पार कौन से होते हैं, यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या स्मॉल n बराबर और यानी कि शून्य, शून्य यानी और दो है हो तो माध्यिका क्या, तो माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका क्या हो,
इसके बाद हम लोग जो है बात की बात करेंगे। गलित पदों की संख्या है दुष्म, तो आदि का क्या हो, और दूसरा नंबर आता है यदि पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या n सम, सम मतलब इवन, इवन हो तो क्या होगा, माध्यिका, माध्यिका ठीक है। तो पहले आपको समानता पाठ माध्यिका कौन है, माध्यिका क्या होगी, इसके लिए होता है कि n प्लस 1 बाई 2 वहाँ पर, वहाँ पर ये इसकी माध्यिका होगी। लेकिन शर्त ये है कि पहले जितने भी टर्म्स होते हैं उनको आवर्ती क्रम में लिख दिया जाए, के बाद ये जो काम करेंगे हम लोग आवर्ती क्रम में लिखने के बाद आंकड़ों को, जितने भी आंकड़े होंगे हमारे उन आंकड़ों को आवर्ती क्रम में लिखने के बाद, आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि पदों की संख्या सम है या विषम है, उसके आधार पर माध्यिका निकाली जाएगी। ये क्या होगा कि जब सम होगी तो n बाई टू वहाँ पर प्लस n बाई टू प्लस वन वहाँ पर बाई टू, ये इसकी माध्यिका का मैटर निकल के आएगा कि इसकी माध्यिका निकलेगी n बाई टू वहाँ पर प्लस n बाई ए से 10 पद है, तो कौन सी माध्यिका होगी, पांचवा पद प्लस छठवा पद बटे वर्गीकृत होंगे तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्यिका, यानी जब हमको 12 मार्क का और x के पद दिए जाते हैं, यानी टेबल दी जाएगी x और y, तो आंकड़े का मतलब यहाँ पर इस टेबल से, जब आंकड़े वर्गीकरण का मतलब है कि आपको यहाँ पर टेबल की वैल्यू दी जाएगी जिसमें से x भी होगा और f भी होगा, x यहाँ पर दिया जाएगी आपको और f यहाँ पर दिया जाएगा। इसी तरह इसमें भी कि आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए जा रहे हैं, तो वर्ग अंतराल के सिग्मा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से क्या होता है कि दो चीजें होती हैं, एक तो यहाँ पर वर्ग अंतराल होगा जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वगैरह, तो यहाँ पर इसकी बारंबारता दी जाएगी f, है ना, ये f होगा, f का मतलब यहाँ पर कुछ f के मान दिए जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो, f दिया जाएगा, लेकिन x कहाँ से निकलेगा, तो x जो निकलता है वो इनका मतलब होता है ना, यहाँ पर वर्ग अंतराल है, यहाँ पर क्या है, ये मध्य पद होता है x और ये है f, x होता है इनके बीच का, दोनों को जोड़ के दो का भाग, ये 10 30 30 का आधा 15, ये 5 10 15 ये सब मध्य पद हो गए, और f आपको दिया जाएगा तब निकाल के आएंगे उसको यहाँ रख देंगे तब वो सॉल्व हो जाएगा, तो मतलब ये इस तरह का सिस्टम ऐसा इसमें नहीं सिस्टम होता, तो माध्यिका में हमको इसकी सच्चाई वाला बात का सामने आना, जब आपके वर्गीकृत हो तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि सच्चाई बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी, संचयी बारंबारता सारणी बनाइए, उसके बाद लगाइए माध्यिका बराबर, सूत्र को ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट इसके बाद ही समझ में आएगा जब हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि हमने यहाँ देखा क्या सूत्र इसका लगता है, समझ रहे हैं बात, तो पहले से आगे जैसे आप अभी कह रहे हैं तो अभी कब में लिखा जाएगा, आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर हमने सेटअप करें कि फॉर्मूला इसमें क्या आ गया, फिर वो माध्य रेशन के रहता है सब रहेगा, इन्हीं को ऑब्जर्वेशन से प्रेक्षण या आंकड़े होते हैं। अच्छा सर्दी के फॉर्मूला फर्क जितना नोट करना है फिर आगे बताएंगे, फटाफट नोट कीजिए जितना भी है फिर आगे बताओ, हाँ।
चाली का क्या करना है, चाली का कुछ भी नहीं है, किसी ने आज जाना है चला काम बहुत है, उसे समय निकाल के हाँ इतने ही हाँ पर जब तक उसे जितना है तो एक बार जितने ही आ जाएगा उसे और बाहर से कोई तो ये तो नहीं है कि वो तो कैसे समय में जाएगा कि कल हम आ रहे हैं काम में हो गया होगा दोनों लोगों का, उसके आगे देखिए प्रिंसिपल को पूरा करा लिखा है कि उसका राइट आर्म को मार नहीं कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोग मांगिका पढ़ने जा रहे हैं आज, इनका कह लीजिए इंट्रोडक्शन सब चीजों को सीख लीजिए और इसके नुमाइंदा से कुछ बताए जाएंगे, लेकिन इसके बाद फिर ये रेडी हो जाएंगे हर तरह से क्वेश्चन की हमें करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको सब बता रहा हूँ कि इनका यूज कितने होना है, माता विष्णु कृष्ण लाला पुष्कर में सबका यूज होता है ना, डायरेक्टली भी हमको आना चाहिए कि फॉर्म क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं आप क्या करा रहा हूँ, सही बार बार तो समझ में आ जाए, फिर माता का निकाल दीजिए और आपके वर्गीकरण होंगे तब की बात क्या है, आपके वर्गीकरण भी होना चाहिए, वर्गीकरण का मतलब क्वेश्चन में एक्स होगा और क्या दोनों बात। तो हम लोग क्या देखते हैं, मातिका में सबसे पहला सिस्टम ये आता है भावना लगाना पड़ेगा, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी बटे में एफ और इन टू में एच, इस फॉर्मूले से हम लोग इसकी मातिका को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जब ये मातिका फॉर्मूले से निकल ही आएगी, अब इसको मान लीजिए मान लीजिए उसमें इनका एप्लीकेशन अच्छे से कहां पर क्या होगा, जो मैथ का यही फॉर्मूला आपको पता है कि जब वर्ग अथवा दिया जाए तो एक्स निकालेंगे और उससे मध्य पद से, ये इसका मध्य पद होता है, ये इसका मध्य पद है, ये क्या है बारंबारता है,
ये क्या है? वर्ग अंतराल है। ये क्या है? वर्ग अंतराल। इतनी चीजें दी जाती है, वर्ग अंतराल, मध्य पद, बारह पद। तो हम लोग ये मध्य पद निकाल देते हैं, दोनों जोड़ के आधा लिमिट, दोनों पद लोअर लिमिट को जोड़ दीजिए, दो का भाग दे दीजिए, तो मध्य पद निकाल देते हैं। तो ये तो मालिका का फॉर्मूला हो गया। जब आपने वर्गीकृत होंगे तो ऐसा करेंगे, वर्ग अंतराल होगा तो भी हम ऐसे कर देंगे, एक्स और एफ बना लेंगे, बाकी यही लगा देंगे। बस समझ रहे हैं? अब यहाँ पर ये है क्या, तो एल जो होती है ये हमारी इसकी लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, निम्न सीमा जो वर्ग अंतराल हमारा सेट हो उस पर। एन क्या होगा? एन मेरी सिग्मा एफ का मान होगा। एन जो होगा वो पदों का योग होगा, मतलब जितने भी यहाँ पर हमको यदि नंबर ऑफ एन एफ को जोड़ लेते तो हमको पदों का योग मिल जाएगा। एन बराबर सिग्मा एफ। सी क्या है? ये संचयी वारंवारता में दिए गए वारंवारता के ऊपर और ऊपर होता है। ये संचयी वारंवारता में आपको मिलेगा, जब सवाल लगाएगा तो समझ में आएगा। और एफ क्या है? ये सिर्फ वारंवारता से रिलेटेड होने दिए गए अंतराल के सामने वाला जो लेना होता है, पहले अंतराल से होगा दिए गए एन के आधार पर। ये जो एन आएगा इसके आधार पर हमारा अंतराल फिक्स होता है कि कौन सा अंतराल हमको लेना है। तो अंतराल में निम्न सीमा, उच्च सीमा, संचयी वारंवारता, वारंवारता, ये सब देखनी पड़ती है। और एच क्या है? वो जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसका अंतराल, अंतराल मतलब उसका डिफरेंस आपस में, जैसे नंबर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इनके बीच में 10 10 का अंतर है, तो एच का मान हो जाएगा। ये तो मालिका का प्रोसीजर हो गया। अब बात आई मालिका के बाद का तीसरा मैटर आता है कि बहुलक क्या है ना। तो तीसरी चीज हम लोग आपको बहुलक भी बता देता हूँ कि आखिरकार बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है मोड, और मोड का मतलब क्या होता है कि जो इसका आंसर की बात करें। हाँ जस्ट अ मिनट। हेलो, आप ये तो आगे हम लोग देखते हैं बहुलक क्या होता है। तो इसकी परिभाषा ही हम लोग कहते हैं कि दिए गए आंकड़ों में जो प्रेक्षण, परिभाषा क्या होगी कि दिए गए आंकड़ों में जिस प्रेक्षण या जो अंक जो भी दिया जाएगा ऑब्जर्वेशन करेंगे, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक है, वही बहुलक है। जैसा जिसमें दिए गए ऐसे है 4, 3, 4, 5, 9, 4, 11, 15, 4, 8 ऐसे। तो जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ पुनरावृत्ति में, या जिस नंबर को बार बार रिपीट किया गया, जिस आंकड़े की चार नाम कई बार रिपीट हुआ, 4-5 बार हुआ, 5-2 बार हुआ, 9-1 बार हुआ, 11-1 बार हुआ, 12-3 बार हुआ, सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक है। ठीक है, बहुलक जैसे हमको निकालना है तो आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे कि एल भी होता है,
1 माइनस ऑफ 0 इक्वल टू 1। अंतराल को समझ नहीं आ रहा, अंतराल वर्ग अंतराल का अंतर नहीं है, अंतराल ठीक है अंतर। अच्छा इसमें क्या है कि अगर हमको बहुलक निकालना है या मोड मोड पहले मैं संबंध बताऊंगा आपको, अब इंपॉर्टेंट संबंध बता रहा हूं है ना। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, l प्लस f1 माइनस fg अपॉन 2f0 माइनस f1 माइनस f2 इनटू h, ये इसका फॉर्मूला है ना। f1 0 2 f1 0 2। अब यहां पर ये समस्या है कि ये पाई क्यों कहां से, ये सब तो आप देखेंगे वेयर, जहां l क्या है, f0 क्या है, f1 क्या है, f2 क्या है, h क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये होगा l का। अब वर्ग एक बार लेगा वर्ग तो लोग उसकी निम्न सीमा देख लेंगे जो भी उच्च सीमा नंबर से, ठीक है ना। फिर ये क्या होता है, तो बहुलक वाले वर्ग के, बहुलक वाले वर्ग के ठीक, जैसे एक वर्ग अंतराल सेट होता है, सबसे पहला बार हमने देखिए जब वर्ग अंतराल सेट होता है तो उसकी बारंबार पढ़ते हैं, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबार, पहले वाले वर्ग की बारंबार का ये हो। फिर f1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबार का, ठीक है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या लेना है, f2 क्या है, ये होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये होता है। h क्या होता है, h वर्ग अंतराल का अंतर, इन सब के मान निकाल करके हम लोग इस सूत्र में पुट कर देते हैं तो हमको यहाँ पर बहुलक प्राप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये चीजें हमको ध्यान देनी है। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप उसमें दिक्कत हो रही तो वही चीजें बताएंगे, अंतराल का टोटल एरिया जाएगा इसको ध्यान देना। L निम्न सीमा है, माध्यिका वर्ग है, हां दिया है और इसमें लिखा है कि संचयी बारंबार का ऊपर वाले साथ में अभी बारंबार का वर्ग का इसमें भी प्रश्न इस तरह से था, बहुत ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक आइडिया है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वो ध्यान दीजिए जरा क्या होता है कि नोट नोट ये है कि जो बहुलक होता है दो माध्यिका तीन माध्यिका क्या होता है, अच्छी याद है, तीन माध्यिका दो गुणे समांतर माध्य ऐसा होता है। पढ़ाया किसी लोगों ने कि इस तरह का प्रॉब्लम मीन मीडियन मोड में कैसा होता है, उसकी बात बोल रहा हूँ, मीन मीडियन मोड के संबंध पूछा जाता है, किसी को पता है तो वो हमको पता है सही लिखा है गलत लिखा है। बहुलक का मतलब लिखने की मतलब ठीक है उसको लिखा है तो समझ में आता ही है, फटाफट कर ले फिर आगे समझ में आता है।
अब देखिए होगा सही था अब इसी को आप रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा कि मोड जो होता है वो 3 × 8 है और -2 अर्थमेटिक मीन ऐसा ये रिलेशन याद रखिएगा रिलेशन पूछा जाता है ज्यादा कि अभी का मीन मीडियन मोड में क्या संबंध है जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा और हिंदी में लिखा है ताकि आप उसको समझ सकें अच्छे से पढ़ सकें जानकारी कर सकें कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग कैसे क्या होता है ये इसका रिलेशन होता है कि लो मतलब मैंने सीधा सीधा भी आपको ये पढ़ाया है समांतर माध्य कैसे निकालते हैं वर्गीकृत अवर्गीकृत अवर्गीकृत माध्यिका कैसे निकालते हैं वर्गीकृत अवर्गीकृत जैसा और बहुलक कैसे निकालते हैं तो बहुलक में दो चीजें हैं बहुलक में ये जो लिखा है आपने कि ये कब लगता है जब आंकड़े अवर्गीकृत जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो जो बहुलक होगा वो क्या होगा दिए गए आंकड़ों में जिस परीक्षण अंक की बार बार सबसे अधिक होगी है ना अधिक होगी बहुलक कहलाएगा तो वही बहुलक हो जाएगा तो ये बहुलक का मतलब ये है सिर्फ कि आपको केवल बहुलक लेना है तो आखिरी अवर्गीकृत होगी तो जो काउंटिंग का सबसे ज्यादा बार अंक रिलीज हुआ होगा उसको लेगा ये क्या है ये दूसरा नंबर है बहुलक जब आंकड़े कैसे हम वर्गीकृत जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो जब आंकड़े वर्गीकृत का मतलब होता है कि x और fx दिए गए हैं यानी x और क्या f दिए गए हैं ऐसे तो x f में जब दिया जाए तो ये इसको कर देंगे जब साधारण हो गया आंकड़े तो ये सीधे सीधे काम नहीं होंगे जैसे हमने लिखा एक बार आंकड़े अवर्गीकृत है फिर वर्गीकृत है इसमें भी है जब अवर्गीकरण में लिखना है एक बार आंकड़े जो अवर्गीकृत है और यहाँ पर होगा जब आंकड़े ऐसे हो वर्गीकृत हो इसका भी मैटर है अब इसके बाद इसका भी आए जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और वर्गीकृत हो तो मीन मीडियन मोड में पहले ये संबंध होता है पहले तो हमको अच्छे से यही पता होना चाहिए तो हमने 1, 2, 3 पढ़ा अब आखिरी बार माध्य विचलन तो माध्य विचलन निकालने के तरीके होते हैं सवाल देने के लगा मतलब सवाल इसके बाद ही हम शुरू करेंगे एक साथ पहले बेसिक फंडामेंटल सब हो जाने चाहिए सवाल का कैलकुलेशन कैलकुलेशन होता है तो समझा के एक सवाल में बहुत सारे सवाल लग जाते हैं कैलकुलेशन में तो पहले हमको माध्य विचलन पढ़ना है कि माध्य विचलन किसी तरीके से क्या निकालते हैं तो पूरी सब कुछ समरी बन जाएगी फॉर्मूला एक कंप्यूटर नोट्स हो जाएगा कि कोई भी चीज देखनी है तो ये बेस पड़ेगा क्योंकि जो माध्य विचलन होता है वो समांतर माध्य से भी निकल आता है और माध्यिका से भी निकल आता है जो समांतर माध्य और माध्यिका हम वाक्य होते हैं तभी हम लोग माध्य मिश्रण प्रश्न और माध्य मिश्रण कर पाते हैं क्योंकि ये भी एक दूसरे से डिपेंड करता है वेरिएंस लिखा रहा है प्रश्न का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर और माध्य मिश्रण होता है सिग्मा समझ रहे और ये तो मीन डेविएशन ही है इसके नोटेशन हम बता रहे तो माध्य मिश्रण हो गया माध्य मिश्रण का मतलब डेल्टा हो जाता है माध्यिका मीडियन है यानी समांतर माध्य को हम लोग एम बोलते हैं ऐसे ये भी होता है कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंफॉर्मेशन पर हम लोग बात विषय में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए समझ रहे हैं जब ये अच्छे से तैयार हो जाए तभी हम उसको कर पाएंगे ठीक है ये अर्थमैटिक मीन है समांतर माध्य एक नंबर में ये लिखना था लिखा दिया वैसे दो नंबर में ये लिखना था और इसका ये पहला पार्ट है ये इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा और तीसरे नंबर पर हम इसका बहुलक करना है एक नंबर पर बहुलक करना है इसका ये पहला पार्ट है तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा ठीक है करें इतना फटाफट जो भी ऑन राइट आया बताओ ये सब भी डाल उसके बाद फिर हम लोग माध्य मिश्रण पढ़ेंगे कि माध्यिका से माध्य मिश्रण कैसे निकालना है समांतर माध्य से कैसे माध्य मिश्रण निकालना है तो ये सब चीजें हमको बतानी पड़ेगी इसी के ठीक बाद ओके
ये सब इसका बेसिक आइडिया है। बेसिक फंडामेंटल होता है, सब चीजें बेसिकली तैयार कर ली और उसके बाद फिर हम लोग इसमें सीरियल से जो शुरू होगा फिर वो यहाँ से आता है। हाँ और ये ग्राम में सुना ले कि हमको ब्रेक कर रहा है। कितना हुआ आप लोगों का? शायद हो गया होगा कंप्लीट। यहां से आगे कभी हम लोगों को उसके आंकड़े वगैरह पढ़ना है, इसमें बहुत सारा काम है।
बात है क्योंकि मां दक्षिणा की बारी आई है ना, चौथे नंबर से हमको पढ़ना है माध्य दक्षिणा। क्या होता है माध्य दक्षिणा? यानी ड्यूरेशन, माध्य दक्षिणा में चौथा नंबर हमारे यहां से शुरू होगा। ठीक है, ये मीन डेविएशन। अब ये दो तरह से निकलता है, बाय मीन और बाय मीडियन। अब ये समझो कि जो मीन डेविएशन होता है, यही चर्चा हम लोगों को आगे करती है, जो पढ़ना है तो आगे हमारा ये टॉपिक शुरू होने वाला है। और यही मेन भी जो आपको पढ़ने के लिए ज्यादा तो मस्त है, वो माध्य दूसरा ढंग से पढ़ना है, प्रश्न ढंग से पढ़ना है और मानक दूसरा ढंग से पढ़ना है। यही मेन चीजें होती है, यानी मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेन प्रॉपर लेवल आना चाहिए। तो जो ये माध्य दूसरा आप कह रहे हैं कोई बोल रहा है, तो माध्य दूसरा का मतलब है कि ये बाय मीन यानी माध्य है ना, समांतर माध्य, समांतर माध्य के द्वारा भी ये निकाला जाता है और इसको माध्यिका के द्वारा भी निकाला जाता है। तो दोनों के द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाय मीन और बाय मीडियन। अब ये एग्जाम में अगर ये तो भी आएगा क्या कि समांतर माध्य से इसका माध्य विशेषण ज्ञात कीजिए, या इसका उसी से बोलेगा कि बताइए माध्य विशेषण क्या है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, माध्यिका का कठिन लगता है, बड़ा लगता है, तो आप मीन से निकालिए, सबसे पहले समांतर माध्य से निकालेंगे, और माध्यिका से निकालना है इससे निकालेंगे, अगर वो कह रहा है इससे निकालो इससे निकालो तो अलग अलग रूल होते हैं। लेकिन उसके लिए हमको ये सब जैसे भी फटाफट बहुत जरूरी है, जैसे समांतर माध्य है जब आ गया ये आना चाहिए, जब आ गया वो दिक्कत नहीं है ये आना चाहिए, मतलब इनका मीनिंग समझे। जब माध्यिका है तो माध्यिका में एक ये वाला फॉर्म आना चाहिए, एक ये वाला फॉर्म आना चाहिए, और जब ये नहीं होगा तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास आगे भी है ही, इस फॉर्मूले को हम लोग लगाएंगे। बहुलक से कोई मतलब नहीं, बहुलक कैसे कोई रोल है, बहुलक अपने आप में बिल्कुल अलग और सेपरेट है। उसके लिए मैंने इस केस में बताया था कि ये संबंध हमको बहुत जरूरी है। कारण तीनों में क्या संबंध, मोर लीनियर, मोर लीनियर और मोर नेचर संबंध होता है, जैसे माध्य माध्यिक और बहुलक में क्या संबंध होता है, बहुलक और तीन माध्यिक में दो समांतर होता है, या का रिलेशन पूछा भी जा सकता है। और इसके बाद अब ये हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट चौथे नंबर का ये छह पॉइंट है। तो कल माध्य मिश्रण बता करके, प्रश्न बता करके, माध्य मिश्रण लगा करके हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो माध्य विचरण के तीनों का आएंगे, इसके सब चीजें आएंगी, जब आंकड़े पावर की गलत होगी तब माध्य विचरण कैसे निकालेंगे समांतर माध्य से, जब आंकड़े वर्ग की गलत होगी तब समांतर माध्य से विचरण कैसे निकालेंगे, है ना। अच्छा, वर्ग अंतराल दिया है तो समांतर माध्य से विचरण कैसे निकालेंगे, इसी तरह तीनों में आएगा। तो जब आंकड़े अवर की गलत हो तो माध्यिका के द्वारा विचरण कैसे निकालेंगे, फिर जब आंकड़े ऐसे होंगे वर्गीकृत होंगे तो माध्यिका के द्वारा यानी सूत्र के द्वारा फिर विचलन निकाला जाएगा। तो तरीका यही चलता रहता है, ऐसे वैसे कभी माध्यिका से कभी वैसे माध्यिका से कभी माध्य से, माध्य और माध्यिका ही मेन होते हैं, बहुलक तीसरा उसका आंकड़ा है। तो पहले इतना कर लीजिए, बेसिक फंडामेंटल ये तैयार कर लीजिए। इसके बाद अब जैसे आज हम चाहे तीन पढ़ाए, कौन कौन से पढ़ाए मैंने आपको, तीन पढ़ाए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब तीन बचे हैं तो माध्य विचलन, प्रश्न और मानक, कुल मिलाकर के छह ये विषय पर हम बात हुआ करते हैं। छह में से हम लोगों ने जितना पढ़ा लिया फिलहाल, है ना, तो मतलब छह में से पांच शब्द हो गए, पांच लिखे हैं छह है, इसको मिला लीजिए तो इग्नोर करके चल जाए हम लोग, इसमें हम लोग इसके क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये मेन होता है कि इसमें हमने इसलिए लिखा है कि बात का बहुत मीन और मीनियन एंड मोर, ये अलग अलग बात है।
अलग बैठे मीन डेविएशन अलग अलग मीन क्या है वैसे आगे से बैठे मीन एक ही जैसा होता है कभी मीन जाए तो समान ना पाते सकते ठीक है तो इतना आप करके कंप्लीट कर लीजिए इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे का भी मान विश्लेषण वगैरह पढ़ेंगे जैसा मैंने बताया तो इसी के पढ़ने के बाद फिर इनके न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल क्यों रोके हम पहले विश्लेषण देख लो गए छोटे छोटे फिर मैं विश्लेषण के लगाएंगे तो हम सीधे क्या करेंगे तो विश्लेषण पढ़ेंगे इन दोनों की वैल्यू आगे प्रश्न क्या है मान प्रश्न क्या है इन सब चीज से रिलेटेड है पूरा प्रॉब्लम बेस ये नहीं कि बेस मजबूत है तो सब काम कंप्लीट है ओके फटाफट इतना करके फिर आगे को आगे बढ़ाते हैं जल्दी से कर लीजिए फटाफट तो दो पता है इसके बाद आगे का पूरा मेंटर हो जाएगा जैसा आपने समझा है सब चीजें पता है और हमारे